टूलकिट मामले में एक के बाद एक परत अब खुलती जा रही है। किसान आंदोलन के नाम पर भारत में इस समय जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं और दिल्ली पुलिस ने भी इसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने की एक गलती ने सारी कड़ियों को आपस में जोड़कर रख दिया है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने की अब तक की सबसे बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। ग्रेटा थनबर्ग, पीटर फ्रेडरिक, मनमिंदर सिंह मो धालीवाल, ये भारत के खिलाफ साजिश के वो विदेशी चेहरे जो 26 जनवरी को जब भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा होगा तब कैसे दुनिया भर में प्रदर्शन होंगे इसकी साजिश रच रहे थे। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की एक गलती से किए ट्वीट में जिस टूल किट का खुलासा हुआ था उस टूल किट से सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की साजिश से पर्दा हटा दिया है। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों के रडार पर पीटर फ्रेडरिक के नाम का विदेशी भी आ चुका है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट ट्वीट किया था वो ऐसा दस्तावेज था जिसे केवल चुनिंदा लोगों को ही दिया जाना था। पोएटिक जस्टिस के मो धालीवाल के बाद पीटर फ्रेडरिक भी इस मामले में महत्वपूर्ण कड़ी है। पीटर फ्रेडरिक ने ही तय किया था कि ट्वीट में हैशटैग क्या होगा, किसे फॉलो करना है और कब कौन से ट्वीट करने हैं। आप इस टूलकिट डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ये बहुत ही ध्यान से और बहुत ही विवेक के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, सोच समझ के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। किस दिन क्या गतिविधि करी जानी है, किस दिन कौन सा हैशटैग को ट्रेंड कराया जाना है, किसको फॉलो करना है, किसको टैग करना है, ये बहुत ही विस्तार से इसमें बताया हुआ है। मलेशिया में रह रहा पीटर फ्रेडरिक 2005 से ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। सवाल उठ रहा है पीटर फ्रेडरिक के नाम को टूलकिट के रिसोर्स में क्यों डाला गया, इस बात की जांच हो रही है। डिसइन्फो लैब नाम की एक साइबर एक्सपर्ट टीम का दावा है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के साथ साथ देश के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मुहिम भी चलाई जा रही है जिसमें पीटर फ्रेडरिक की अहम भूमिका हो सकती है। डिसइन्फो लैब के मुताबिक पीटर के संबंध खालिस्तानी भजन सिंह भिंडर और इकबाल चौधरी से भी है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक भजन सिंह ने आतंकी लाल सिंह की मदद से साल 1992 में भारत में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश भी रची थी लेकिन समय रहते गिरफ्तारी से उस वक्त बड़ा हमला टल गया था। लेकिन इन आतंकियों की भारत के खिलाफ साजिश रचने का सिलसिला रुका नहीं। भजन सिंह ने अमेरिका समेत कुछ यूरोपीय देशों में विदेशी लोगों को अपने ग्रुप से जोड़ना शुरू कर दिया। भजन सिंह ने साल 2006 से 2007 में पीटर फ्रेडरिक को अपने ग्रुप से जोड़ लिया। पीटर फ्रेडरिक पर अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने का भी आरोप है। साथ ही कई खालिस्तानी समर्थक गुटों से भी पीटर फ्रेडरिक जुड़ा हुआ है। पीटर फ्रेडरिक का दावा है कि वो फासीवाद पर शोध करने वाला एक एक्टिविस्ट है। जिस तरह की कड़ियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक भारत को बदनाम करने की साजिश की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी और जिस हैशटैग पर अमेरिका की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था उस हैशटैग का जिक्र भी इस स्क्रिप्ट का हिस्सा था। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो टूलकिट मामले में शांतनु की तलाश तेज हो गई है। शांतनु की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम महाराष्ट्र के बीड पहुंच चुकी है जहां फरार शांतनु के माता पिता से पूछताछ की गई। पुलिस ने शांतनु के बैंक खाते वाली ब्रांच जाकर अकाउंट की भी जानकारी हासिल की और आज बॉम्बे हाईकोर्ट में शांतनु की अग्रिम जमानत पर सुनवाई भी होनी है। ग्यारह जनवरी को जूम ऐप पर हुई बैठक में दिशा रवि के साथ साथ शांतनु और निकिता भी शामिल हुए थे। जूम ऐप की मीटिंग में 60 से 70 लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस की एक टीम शांतनु की तलाश में महाराष्ट्र के बीड में है। शांतनु ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई हुई है जिस पर आज सुनवाई होनी है।
नाम शांतनु शिवलाल मुलक, पेशा इंजीनियर। ये वो नाम है जिसका खुलासा 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में इस्तेमाल टूलकिट के जरिए हुआ है। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने शांतनु पर शिकंजा कसने की तैयारी की तो शांतनु ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। निकिता ने पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई हुई है। शांतनु पर निकिता जैकब और दिशा रवि के साथ टूलकिट बनाने का आरोप है। गौरतलब है कि निकिता और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस बीच महाराष्ट्र के बीड पहुंचकर दिल्ली पुलिस ने शांतनु के घर जाकर छानबीन शुरू कर दी है। शांतनु के माता पिता से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस की टीम ने शांतनु के बैंक खाते के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली। फिलहाल शांतनु फरार है। दिल्ली दंगा टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि वो कड़ी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गैंग की सभी टूटी कड़ियों को जोड़ दिया है। इस साजिश में अगर खालिस्तान समर्थक मो धालीवाल मास्टरमाइंड है तो दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु समेत कई लोग इस साजिश के चेहरे हैं। दिशा को इंटरोगेट किया गया। दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना। दिशा रवि दिल्ली दंगों की साजिश में 6 दिसंबर से ही जुड़ी हुई थी। पुलिस के मुताबिक खालिस्तान समर्थक संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सह संस्थापक मो धालीवाल ने इस साजिश को भारत में आगे बढ़ाने के लिए पुनित नाम के सहयोगी से संपर्क किया। कनाडा का पुनित मुंबई में निकिता जैकब को जानता था। निकिता जैकब बेंगलुरु की दिशा रवि को जानती थी और दिशा रवि पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग से संपर्क में थी। 11 जनवरी को मो धालीवाल ने जूम से मीटिंग की। मीटिंग में दिशा, निकिता के अलावा 60 से 70 लोग शामिल थे। मीटिंग में मो धालीवाल ने कहा, मुद्दे को बड़ा बनाना है। मीटिंग का मकसद किसानों के बीच असंतोष फैलाना था। इन लोगों का मकसद किसानों का भला बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये लोग कृषि बिल के नाम पर भारत में विद्रोह के हालात बनाए रखना चाहते थे। ये खुलासा खुद खालिस्तान समर्थक मो धालीवाल ने 26 जनवरी को कनाडा में दिए भाषण में किया था। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. खुलासा हुआ है कि दिल्ली दंगों की ये टूलकिट दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु ने बनाया था। जी न्यूज ने खुलासा किया था कि दंगों की टूलकिट में वो बात साफ साफ लिखी थी जिसे मो धालीवाल ने माना था। टूलकिट में लिखा था, 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लेखित है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि 26 जनवरी को लाल किला हिंसा के बाद एक और मीटिंग की गई। मीटिंग में इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट से संपर्क करने का प्लान बना। दिशा ग्रेटा को जानती थी, इसलिए ग्रेटा को किसानों के नाम पर भारत विरोधी प्लान में शामिल कर लिया गया। और इसके बाद ग्रेटा ने समर्थन तो किया, लेकिन गलती से दिशा के खालिस्तानी गैंग की साजिश का प्लान लीक कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।